राम मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह को लेकर भाजपा के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कांग्रेस को घेरा। रायपुर में हुई प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के आला कमान ने रामलला के मंदिर के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल न होने के फैसला लिया है, जिससे ये साफ पता चलता है कि भगवान श्री राम में कांग्रेस की कितनी आस्था है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों की आस्था भगवान श्री राम में है, वह अयोध्या में राम मंदिर के भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएं और ऐसी पार्टी का साथ छोड़े जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और राम के प्रति अपना दोहरा चरित्र रखती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी टूटी नाव चलाने के लिए राजस्थान से पायलट बुलाई। ये वो पायलट है जो अपने राज्य में कई बार उड़ते हुए जहाज को जमीन पर ला करके पकड़ते। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले सहजा जी के यहाँ पर प्रभारी बनाए थे और ये वही सहजा जी हैं जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को डुबाई थी और अब पायलट जी आ रहे हैं यहाँ जो राजस्थान में कांग्रेस को डुबाने का काम। अपने अपने राज्य में जिन्होंने बगावत की, ऐसे बगावत करने वाले लोग ही आज कांग्रेस पार्टी के सहारा बने और छत्तीसगढ़ के जो बागी हैं उन सारे बागियों को संभालने के लिए अब इस तरह के लोगों को कांग्रेस पार्टी अपने राज्य में बुला रही है। इससे कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।